हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लॉप एक्सप्लोरर में। ये मेरी मारुति सुजुकी 800 के वीडियो का पार्ट 3 है। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है, आप इसमें देखेंगे कि हमने अंदर की क्लीनिंग कैसे की है। आप देख सकते हैं कि हम पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं गाड़ी के अंदर से। ऐसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अंदर से सफाई पूरी तरह कैसे करनी है, ये हम बताएंगे। ये हमारी तीसरी वीडियो है। आप देख सकते हैं कि हम कैसे सफाई कर रहे हैं इसकी। हर एक चीज को हमने डीपली साफ किया है। आप घर पे आप अच्छी तरह अपनी गाड़ी को अंदर से साफ कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अंदर पानी लगाने से गाड़ी खराब हो जाती है। आप साफ कर सकते हैं गाड़ी को अच्छी तरह, उसे थोड़ा सूखने का टाइम दें गाड़ी साफ करने के बाद, फिर ही उसमें मैट्स वगैरह लगाएं, सीट्स लगाएं। बस आप देखते रहिए ध्यान से कि हम गाड़ी को कैसे धो रहे हैं, कैसे साफ कर रहे हैं। पहले जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह पानी से बाहर निकाल लें। पॉइंट टू पॉइंट आप देखते रहिए कि हम कैसे सफाई कर रहे हैं। आप घर पे अब ऐसे ही बिल्कुल अपनी गाड़ी की सफाई कर सकते हैं। शैम्पू लगाना शुरू कर दिया है। अच्छी तरह जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, उस ब्रश के साथ हम सफाई कर रहे हैं इसकी। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है कि हम सफाई ब्रश के साथ ज़्यादा करते हैं। टायर्स वगैरह इसी ब्रश के साथ धोते हैं, चाहे बाइक हो चाहे कार हो। प्रॉपरली आपने सफाई कर देनी है उसकी, जो आपने शैम्पू लगाया है उसे अच्छी तरह पानी मार के धो दें। आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया है, आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। एक टूथब्रश तो आपके पास होना ही चाहिए। आप देख सकते हैं एक टूथब्रश कहाँ कहाँ क्या क्या सफाई कर सकता है। ये हम जो सफाई कर रहे हैं, जो इसके डोर हैं, ये आप कोई ऑटोमेटिक जो पावर विंडो होते हैं वो उस वाली डोर पे आप इसे ना लगाएं। ये मैनुअल जो विंडो होते हैं उन पे ही इसे लगाएं। ये स्किप कर सकते हैं आप, जो पावर विंडो वाली डोर्स होते हैं उसमें ये स्किप कर दें, क्योंकि उसकी मोटर्स में पानी चला जाता है, वो खराब हो जाती हैं। इसके लिए भी आपको थोड़ा फ्री टाइम चाहिए अंदर से सफाई करने के लिए। एक बार जरूर करें आप अपनी गाड़ी की अंदर से सफाई। जो आपकी मैटिंग होगी वो बिल्कुल नीचे से गंदी नहीं होगी, सारी सफाई हो जाएगी। डैशबोर्ड पे भी थोड़ा शैम्पू से लगा कपड़ा लगा रहे हैं, पर उस पर थोड़ा हल्का ही शैम्पू लगाया है। हर गाड़ी पे आप डैशबोर्ड पे ये नहीं लगा सकते।
ब्रश के साथ कर रहे हैं टूथब्रश के साथ सफाई स्टीयरिंग व्हील की। अंदर से भी सफाई करनी बहुत जरूरी है गाड़ी की, पर कई लोग नहीं करते हैं अंदर से सफाई। सारी गाड़ी मैनुअल है, इसमें ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सारी जगह शैम्पू लगा रहे हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी में थोड़ा से ना लगाएं। आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें बताएं कि आपके लिए हम कैसी वीडियो बना सकते हैं। हम आप कोशिश करेंगे हम जैसी आप वीडियो चाहते हैं वैसी ही वीडियो आपके लिए बनाएं। और हमारी कोशिश रहेगी हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करें और आपको जल्दी से जल्दी नई वीडियो देखने के लिए मिले। गाड़ी को हमने डीपली ही साफ किया है अंदर से, आप देख सकते हैं पिछले दो पार्ट में भी आपने देखा है, ये तीसरा पार्ट है इसका गाड़ी का। ये भी वीडियो थोड़ी लेंथी है, लेंथी बनानी पड़ रही है क्योंकि अगर इसे लेंथी ना बनाएं तो आप पूरी अच्छी तरह देख नहीं सकेंगे कि हमने इसे कैसे साफ किया है। हमें सजेस्ट जरूर करें कि हम कैसी वीडियो आपके लिए बनाएं। हमारी वीडियो में अगर कोई गलती होती है तो हमें वो गलती भी हमारी बताएं। आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है वो भी जरूर बताएं। देखिए कि हम स्टीयरिंग व्हील को कैसे साफ कर रहे हैं। नॉर्मल कपड़ा है, इस पर शैम्पू नहीं लगा हुआ है, इसे साफ कर रहे हैं हम। शैम्पू वाला कपड़ा हमने पहले लगाया था, थोड़ा गीला कपड़ा है, उसे साफ करके हम पूरा स्टीयरिंग व्हील साफ करेंगे, ऐसे डैशबोर्ड साफ करेंगे। अच्छी तरह से साफ कर लें, देख लेंगे कहीं शैम्पू ना रह जाए, बस इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत सिंपल है इसे साफ करना। आप घर पे आराम से इसे साफ कर सकते हैं। डैशबोर्ड देख सकते हैं आपकी अच्छी तरह साफ हो गया है।
पिछली वीडियो में देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं मेरी में कि हमने सीट्स को कैसे खोला था। डैशबोर्ड की लुक देख सकते हैं आप, साफ करने के बाद बिल्कुल ही न्यू जैसा डैशबोर्ड लग रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2000 मॉडल गाड़ी है, आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड 2000 मॉडल गाड़ी का बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे न्यू गाड़ी का डैशबोर्ड होता है। देख सकते हैं कि इसकी सीट्स सारी लग चुकी हैं, एकदम अंदर से डीपली क्लीन हो चुकी है गाड़ी, एकदम साफ सुथरी गाड़ी। हर कोई अपनी गाड़ी ऐसे ही देखना चाहता है कि हमारी बिल्कुल ही साफ सुथरी गाड़ी हो। आप गाड़ी देख सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं कि कैसी लग रही है गाड़ी। आप हमारी ऐसी वीडियो देखते रहें, हमें अपना प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, हमारी वीडियो शेयर करते रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप पूरी गाड़ी अच्छी तरह देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको हमारी वीडियो में कमी लग रही है तो आप बता सकते हैं। हमारी वीडियो ऐसे ही हमेशा देखते रहिए, हमारी अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू आपका हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।